इलेक्शन शफाफ कब होते हैं? यहाँ सिलेक्शन कमीशन, और सॉरी फिर माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग इलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। भट्टी साहब, शबाश अगर पंजाब में हार जाते हैं तो शबाश शरीफ साहब की हुकूमत इधर रवात पे ख़त्म हो जाएगी, उधर अटक पे ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे, फैजाबाद पुल पे ख़त्म हो जाएगी। नहीं देखें, अगर ये इलेक्शन, गुजारिश ये है कि इलेक्शन शफाफ कब होते हैं? जब हुकूमत बिल्कुल गैर जानिबदार हो। 2018 में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के एक अबूरी हुकूमत बनाई। अब तो एक जमात की हुकूमत है जो स्टेक होल्डर है। यहाँ सिलेक्शन कमीशन, और सॉरी फिर माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इमरान खां के बकौल नून लीग का बगल बच्चा है, वर्कर है, सईद मेहंदी का दामाद है। सईद मेहंदी साहब को मैं साबर साहब जब बड़े होते थे, मैं बचपन में इनको देखता था, उस वक्त से जानता हूँ उनके, सईद मेहंदी के क्या तलका था ना, हकूमत न्यूट्रल है मेरे ख्याल में। अगर आपके ख्याल में अली यादव तो मुझे गाइड जरूर कीजिएगा। एक वो आदमी वजीर आला है जिसे को वोट डालने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने नहल कहा कि उनका वोट नहीं गिनना, तारीख की बदतरीन धांधली। नहीं मैं इसको पता नहीं, इसके लिए लफ्ज ही नहीं तैयार। अगर इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल नहीं है, हकूमत तो खुद स्टेक होल्डर है, इस बसाखियों पर खड़ी है, तो रह गई बात जहां तक साबर और शाकर साहब की। ये सबर भी बड़ा करते हैं और शुक्र भी कहते हैं, कहते हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट दूर रही इलेक्शन से, जिमनी इलेक्शन 17 जुलाई को, तो फिर इस हुकूमत से इलेक्शन बहुत दूर हो जाएंगे, मुस्लिम लीग इलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगर दूर रही, लेकिन मेरी इतला इसके बिल्कुल बरक्स है, मेरी इंफॉर्मेशन इसके बिल्कुल बरक्स है। लेटेस्ट तरीके बैलेट पेपर किसी को अलग पहुंचा दिए गए, बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए, दो जगह होंगे, एक पोलिंग स्टेशन पर, एक गुमनाम जगह पर वोटिंग होगी। मिसाल के तौर पे अली हैदर के पोलिंग स्टेशन में 200 वोट पड़ा है, और ये 200 वोट किसी और जगह भी पड़ा, और सॉरी 2000 वोट पड़ा टोटल, एक पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं, वो 2000 कहीं और भी पड़ा होगा, और वो कोऑर्डिनेशन होगी। तो लिहाजा क्योंकि अब जो इनको लाए हैं, अगर ये हुकूमत चले जाती है, केपीके में ऑलरेडी पीटीआई की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की, और बलूचिस्तान में पता नहीं हुकूमत किसकी, तो ये क्या मेयर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के रह जाएंगे? मैक्सिमम मेयर वहां रहेंगे ना। ये तो आपने एक बात सुनाई कि 8 और 13 इलेक्शन की पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में शहबाज शरीफ, नहीं, पहले वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी मोहतरमा शहीद, और वजीर आला पंजाब थे शहबाज नवाज शरीफ। उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी को और एक आईजी को तैनात किया बेनजीर भुट्टो शहीद ने, तो नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा, आईजी को चौकीदार। ये इस कदर पुलिस और इंतजामिया पर डिपेंड कर रहे हैं, इस इंतजामिया, ये पुलिस जिसने इमरान रियाज पे 20 पर्चे कर दिए, आईजी को डोकरी छोड़ देनी चाहिए कि इतने झूठे पर्चे, आईजी का फर्ज नहीं है कि एक ही वकूबे की 2 FIR नहीं हो सकती, एक वकूबे की 2 FIR नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का हुक्म है। तो उस आईजी का ये काम नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को बुलाए और बताए कि अगर सारे इलेक्शन पर्चे झूठे हैं, पर्चे झूठा दर्ज करने की सजा है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो आईजी तो रोइंग ही नहीं रहा, हुकूमत रोइंग नहीं रही। तो अली हैदर मेरा भाई, आप क्यों इतने मासूम हो? आप सांपों को दूध पिला के कह रहे हो ये डसेंगे नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, अदब एहतराम से अगर गुस्ताखी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा, मैं बड़े एंकरों का सामना कर नहीं पाता अक्सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।